हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड रोजनामचा मतलब जर्नल एंट्रीज की पूरी प्रोसेस को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कहा था कि कुछ जो बेसिक्स गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग थे उसे याद रखना है। आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ जो ये गोल्डन रूल्स थी, ये वाली, ठीक है ना। तो ये गोल्डन रूल्स को मैंने बोला था कि आपको इसको कंप्लीटली अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसको याद रखने के बाद ही आपको सारी चीजें क्लियर होगी। जो मैं अभी सिखाऊंगा जर्नल एंट्रीज में, वो अभी ही आपको ये चीज कंप्लीटली क्लियर होगी। तो जनरली ये सारी चीजों को मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बारीकी से लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे हमारा शो कर रहा है डेबिट में द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट में आपका द गिवर, रियल, आर फॉर रियल, एन फॉर नॉमिनल। तो इसमें ये सारी चीजों को मैं यहां पे कंप्लीटली रख रहा हूं, ठीक है ना। तो पर्सनल द रिसीवर, पाने वाला जो है ये पर्सनल अकाउंट्स हुआ, देने वाला, ठीक है ना, ये डेबिट के रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ, और देने वाला क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ। व्हाट कम्स इन, आने वाला, व्हाट गोज आउट, जाने वाला, ये क्रेडिट के अकॉर्डिंग। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, पाने वाला, आने वाला, खर्च आने डेबिट, देने वाला, जाने वाला, आय और लाभ क्रेडिट। बस इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको, अच्छे से समझ में पूरी चीज़ें आपको आ जाएगी। और दूसरी बात है कि पर्सनल के अकॉर्डिंग क्या आता है। मैंने बताया था कि कोई भी नाम अगर आपको दिख रहा है पर्सन्स या इंस्टीट्यूशंस, वो पर्सनल अकाउंट के थ्रू है। रियल, अगर मान के चलो कोई भी वर्क वैसा हो रहा है, ठीक है ना, लाइक कैश है, संपत्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो वो रियल अकाउंट है। और नॉमिनल, अगर सैलरी जिसमें खर्च या आय या आमदनी की मतलब इंडिकेशंस आ रहा है, लाइक सैलरी अकाउंट, अगर सैलरी आप किसी को देते हो या सैलरी लेते हो तो कैसे इसको बनाओगे। अगर मिस्टर राम है एक एग्जाम्पल में, या तो वो पाने वाला होगा चूंकि पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति है, या तो वो देने वाला होगा। पाने वाला हुआ तो डेबिट, देने वाला हुआ तो क्रेडिट। अगर कैश, रियल कैश हुआ, संपत्ति कोई भी, संपत्ति या तो आएगा या तो संपत्ति जाएगा। सैलरी, रेंट, किराया वगैरह, या तो सैलरी रेंट हम लोग देंगे तो खर्च आने होगा, अगर प्राप्त करेंगे तो आय और लाभ होगा। तो बस यही तीन चीज़ों को पूरी अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है, पूरी टैली इसी तीन चीज़ों पे डिपेंड है। बस ये तीन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लो, फिर आपके लिए टोटल टैली आसान है। ओके, तो चलो मैं इससे रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट इंट्रीज है जिसको सीखना बहुत जरूरी है, बस ये केवल सीख लो, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। ओके, तो है रोजनामचा प्रविष्टिया, ठीक है ना, रोजनामचा जर्नल इंट्रीज इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप इंग्लिश को ज्यादा फोकस करो, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। रोजनामचा व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों का एक काल क्रमानुसार अभिलेख है, ठीक है ना। मतलब जो वित्तीय लेन देन होता है, जो डे टू डे लेन देन होता है, उस डे टू डे लेन देन को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर मैं एज ए डायग्राम आपको इसको बताऊं, ठीक है ना, चलो मैं यहाँ पे एक बार क्या करता हूँ, पेन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर एज ए डायग्राम, थोड़ी सी मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, लाइक येलो कलर, ओके, ठीक है। कि मतलब डे टू डे जो वर्क हो रहा है, अगर मान के चलो कि कैसे काम करता है डे टू डे। अगर मान के चलो अभी हमने कोई सामान खरीदा तो हमने उसको क्या किया, लिख दिया, ठीक है ना, कि 200 रुपए का हमने सामान खरीदा, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद फिर हमने कुछ खरीदा तो फिर हमने लिख दिया कि मैंने 1300 रुपए का सामान खरीदा। फिर एक घंटे बाद हमने कुछ बेचा तो मुझे यहाँ लिख देना है कि हमने 200 रुपए का कुछ बेचा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जनरली ये प्रोसेस जो है कि मतलब एक वे में हम लोग लिखते जा रहे हैं, ये जो है चलता आ रहा है हमारा सिस्टमेटिक ऑर्डर में, जैसे जैसे घटना घट रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना काल क्रमानुसार, काल क्रमानुसार का मतलब ही यही होता है कि समय के हिसाब से जो जो क्रम में आते जा रहा है सबको लिखने का एक अभिलेख है, लेन देन को लिखने का अभिलेख है, ठीक है ना। तो अ जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो अब इसको
हमें बनाना है, बिल्कुल मेहनत करना है इन चीज़ों पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे मेहनत करो। देखो, टीचर्स भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप भी मेहनत करो, ठीक है ना? दोनों जब मिलके मेहनत करोगे तो बिल्कुल टैली समझ में आएगी। क्योंकि देखिए, अभी ना बहुत सा जॉब आया था, ब्लॉक अकाउंटेंट्स वगैरह का जॉब आया है, तो स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि सर, इंस्टीट्यूशंस में आप मुझे ये स्टडी करा दो, इससे रिलेटेड उन्होंने जॉब भी फिलअप कर दिया है, बीकॉम वाले, कॉमर्स वाले, या जो जिनको टैली नहीं आ रही है। तो ऐसे सिचुएशंस में देखो, आसान तो है नहीं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों को दिक्कत आएगी, बच्चे को दिक्कत आएगी। तो फिर हमने ये ऑप्शन निकाला कि भाई, टैली की आप क्लासेस कर लो अच्छे से, आप बेसिक्स अकाउंटिंग के क्लासेस क्लियर कर लो। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप खुद से भी मेहनत करो, हम लोग कंप्लीट आपको मतलब यहाँ पे ट्राई करेंगे कि अच्छे से ज़्यादा सही तरीके से आपको सारी चीज़ें को प्रोवाइड करें। और ऐसे हम जो भी क्वेश्चंस आपसे बनवाएंगे, कुछ जो HW होगा, होमवर्क होगा, वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शंस में उसकी पूरी आंसर्स शीट हमें प्रोवाइड करो, मैं चेक करके उससे रिलेटेड मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो आप टेंशन फ्री रहो, बस सीखने के लिए आप तैयार रहो, ठीक है ना? तो बस आपको याद ही बस ये रखना है, और इसी के आधार पे अभी मैं आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, इसकी कुछ फॉर्मेट है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस फॉर्मेट को आपको करना है फॉलो। ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो आप ये फॉर्मेट को पहले फॉलो करो। ये फॉर्मेट में देखो क्या है, सबसे पहले ऊपर में है, चलो ठीक है, सबसे पहले ऊपर में है आपका डेट, कि यहाँ पे मतलब जिस डेट को, मान के चलो एक एग्जाम्पल, में सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल पे अगर मैं बताऊं कि मैंने ना 10,000 रुपये का, मान के चलो मैंने, ठीक है, मैंने 10,000 रुपये का एक मान के चलो मोबाइल खरीदा, है ना? 10,000 रुपये का क्या खरीदा? मैंने एक मोबाइल खरीदा। अब देखो, इसकी इंट्रीज को अगर हमें मेंटेन करना है, तो जब आप मोबाइल खरीदोगे तो क्या हुआ, मोबाइल तो आ गया आपके पास, लेकिन पैसा कैश, पैसा जो है वो चला गया, है ना? तो कुछ चेंजेस आया आपके साथ ना। तो ओके, तो इस तरह की एंट्रीज को सही ढंग से यहां पे देखो, जो घटना घटा इसको बोल के लिखना नहीं है हमें, इसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना? तो डेट में पहले जिस डेट को, मान के चलो ये अगर मैंने मोबाइल 5 अप्रैल को खरीदा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मैंने क्या खरीदा, सामान खरीदा 2019, जो भी है आपको यहाँ पे आप डेट भी डाल दो, 2019 5 अप्रैल को हमने मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल खरीदे तो मोबाइल आया ना, तो आपको इसको लिखने का तरीका है कि मोबाइल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि आपको पता है आने वाला डेबिट, सामान आया पैसा गया, जाने वाला क्रेडिट। क्रेडिट को हम लोग टू से लिखते हैं, किसमें, इस तरह की जर्नल एंट्रीज अगर आप बना रहे हो, अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो क्रेडिट को टू से लिखोगे, ठीक है ना? तो कितना का मोबाइल आपने खरीदा, 10,000 का हमने फोन खरीदा, और हमने बेचा कितना में, सॉरी, हमने पैसा कितना दिया, 10,000 रुपया दिया। तो मेरा 10,000 रुपया टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया, 10,000। देखो, क्रेडिट इज इक्वल टू, सॉरी, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया ना। तो ये डेबिट वाला पार्ट हो गया, इसमें डेबिट वाला अमाउंट लिखेंगे और इसमें क्रेडिट वाला अमाउंट हम लिखेंगे। ये LF होता है, पृष्ठ संख्या, ठीक है ना? इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करो, जब यूज़ आएगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना? अब जो घटना घटता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, बीइंग लगा के, बीइंग, ठीक है ना? कि हमने क्या किया, तो हमने मोबाइल खरीदा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ बीइंग परचेज्ड मोबाइल, हमने मोबाइल खरीदा, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना? तो ये प्रोसीजर है। बट टैली में, अब देखो, ये तो आपको आती होगी, अगर आप कॉमर्स वगैरह स्टडी किए हो तब तो ये आपको पता होगा कि कैसे हमको इसमें काम करना है। बट अगर टैली में हो, ये सबके लिए नहीं होगा जो टैली नहीं जान रहे, ठीक है ना? तो टैली में इसकी एंट्री लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ टैली को भी फोकस कर रहा हूँ, केवल आप ये टेंशन फ्री रहो कि मैं इस चीज़ों को ही केवल फोकस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं टैली को भी लेके चल रहा हूँ, कि जो कि देखिए, टैली आपको सीखनी है तो टैली को माइंड में आपको लेके चलना है। टैली में इसकी एंट्री कैसी होती है, देखो, कॉपी में आपको डेबिट हमेशा ऊपर रखना है और क्रेडिट को टू से लिख के टू नीचे रखना है हमेशा। लेकिन टैली में क्या होता है, कभी डेबिट ऊपर रहेगा, कभी क्रेडिट ऊपर नीचे रहेगा, कभी क्रेडिट नीचे रहेगा, कभी डेबिट ऊपर रहेगा, क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर है, तो अपने हिसाब से वो डिफाइन डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना? बट हमें एक चीज ध्यान देना है, रूल्स रूल्स जो है, ना ही कॉपी वाले अकाउंट में चेंज होगा, मतलब मैनुअल अकाउंट में, ना ही कंप्यूटर वाले अकाउंट में चेंज होगा, रूल्स दोनों में सेम रहेगा।
अगर डेबिट में कोई अकाउंट आ रहा है तो वो डेबिट में ही रहेगा, जो अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है वो क्रेडिट में ही रहेगा। तो इस अवस्था में देखो टैली में ऐसे यहाँ पे आपको बोलेगा डेट लिखने के लिए, तो आपको जब भी जो भी डेट है 2019 5 अप्रैल हमने यहाँ पे लिख दिया एक एग्जाम्पल में, ठीक है। और क्या हो रहा है, सामान हम लोग खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है ना, तो टू कैश अकाउंट। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, टैली में ना या तो टू और बाय रहेगा, या तो टू रहेगा, नहीं तो टू और बाय रहेगा, और नहीं तो क्रेडिट डेबिट रहेगा। तो जो आपके लिए आसान लग रहा है आप उस दोनों में से कोई एक ऑप्शंस को ऑन करके यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि आपको टू बाय यूज़ करना है या क्रेडिट डेबिट यूज़ करना है, मैं बताऊँगा जब टैली में आपको प्रैक्टिकल इंटरेस्ट पे जाऊँगा तो कैसे इस चीज़ों को चेंज करेंगे, सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा वाड़ी की, से टेंशन फ्री रहो। और ये थोड़ी स्पीड क्लासेस है तो इसको आप ध्यान से क्लियर करते चलो डे टू डे, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है, मे बी आज थोड़ा लेट हो गया है वीडियोज़, ठीक है ना, तो टेंशन मत लो, थोड़ी सी मुझे वर्क हो गई थी सो, बट वीडियोस आपको रेगुलर मिलती चली जाएगी, आप टेंशन फ्री हो इस चीज़ों के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट और 10,000, ठीक है ना। और हमने क्या खरीदा था, मोबाइल, तो आया मेरे पास मोबाइल, तो मोबाइल कैश क्रेडिट हो गया और मोबाइल अकाउंट डेबिट। देखो मैंने वैसे ही बनाया ना, यहाँ पे भी डेबिट है तो डेबिट यहाँ नीचे था इसलिए मैंने डेबिट को नीचे रखा। तो बस रूल्स वही रहेगा, जो जहाँ पे मांग रहा है बस बना डालो, इस तरह से हमारी एंट्रीज बन जाती है। तो ऐसे आपको इस फॉर्मेट ऑफ जर्नल को रेडी करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अच्छे से आप इसको नोट करते चलो और इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप ले लो तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करता हूँ, और अब ना धीरे धीरे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना, बनाने के लिए। और खुद से भी आप ट्राई करो, मैं अभी बना रहा हूँ, अभी देखो ये क्वेश्चंस आया आपसे, अगर बन रहा है तो आप खुद से फटाक से कॉपी में बना लो, ठीक है। और आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखा सकते हो, ठीक है, मैं खुद बताऊंगा कि ये सही है या गलत हो, ठीक है ना। ओके तो ऑन 1 अप्रैल 2018 रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर विवेक RS 3,000, मिस्टर विवेक से 3,000 रुपये प्राप्त किया अप्रैल 1 2018 को, ठीक है ना, 2018 फर्स्ट अप्रैल को मिस्टर। तो अब देखो इसमें सोचने वाली बात है, इसमें दो अकाउंट है, एक तो कैश है दूसरा मिस्टर विवेक है, ठीक है। तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश संपत्ति है ना, संपत्ति मतलब एसेट्स, रियल अकाउंट है कैश। मिस्टर विवेक कौन सा अकाउंट है, व्यक्ति है ना, मतलब पर्सनल, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाता, ठीक है ना। ओके मिस्टर विवेक से 3,000 रुपये प्राप्त किया तो कैश आ रहा है, किससे आ रहा है, विवेक से आ रहा है, मतलब विवेक दे रहा है, कैश आ रहा है और विवेक दे रहा है, बस इसी को फाइंड आउट करो। अब देखो आ रहा है तो आने वाला क्या है, तो मैं आपको अगर रूल्स दिखाऊं तो आने वाला डेबिट होता है ना। देखो आने वाला डेबिट है ना, आने वाला डेबिट और देने वाला क्या है, क्रेडिट, बस इसी को फॉलो कर दो यहां पे फटाक से। तो अगर मैं बताऊं तो क्या हो गया, कैश क्या हो गया, रिसीव्ड कैश है तो कैश आया, आने वाला डेबिट तो ये हो गया डेबिट, मिस्टर विवेक गीवर है मतलब देने वाला है तो ये हो गया क्रेडिट, बस इतना केवल पता चल जाए फटाक से सवाल को बना डालो। तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट को मैंने बताया कॉपी में टू से लिखेंगे, ठीक है ना, यहां पे टू मिस्टर विवेक अकाउंट। चलो ये अमाउंट आप बैठा डालो, कितना है 3,000, और यहां पे 3,000 यहां पे लिख दो। यहां पे फिर से आपको क्या करना है, बीइंग बींग लगा के यहां से यहां तक नोट कर दो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर विवेक, बस यहां तक नोट कर दो। तो ऐसे करके आप नरेशन यहां पे लिख सकते हो, और जो जिस डेट को ये घटना घटा यहां पे डेट 2018 अप्रैल 1। ओके टैली में भी कैसे एंट्रीज करोगे, टैली में अगर मैं आपको आऊ बात तो टू मिस्टर विवेक, टू में मिस्टर विवेक है तो टू यहां पे है तो बैठा दो यहां पे मिस्टर विवेक अकाउंट, अमाउंट डाल दो यहाँ पे। मैं इसलिए दोनों को लेके चल रहा हूँ कि आपको ना आसान हो सारी चीज़, बाद में टैली जब आप क्लियर करो तो उस समय में फिर से मुझे ये सिखाना पड़ता, तो इसलिए अभी से चलेंगे इस पर, तो चूंकि हमें तो करना टैली पे काम है तो अभी से अगर इस पर काम करेंगे तो मेरे लिए क्लियर हो जाएगा, तो और बाय में आपके लिए भी क्लियर होगा, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा आपको सिखाना, ठीक है ना। तो अभी से इस दोनों को लेके चलो, ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो आप इसको अपने कॉपी में ऐसे करके बना लो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू, सो ऑन 2 अप्रैल 2018 पैड गेस्ट टू मिस निहारिका 13,000 मिस निहारिका को कैश दिया, मतलब पे किया, चुकाया। तो अब देखो बस सोचना है, दो अकाउंट्स फिर जनरेट दिख रहा है हमको, कैश और मिस निहारिका। तो कैश कौन सा अकाउंट है, संपत्ति है ना, कैश रियल। मिस निहारिका व्यक्ति से रिलेटेड है, पर्सनल व्यक्तिगत खाता। तो कैश पैड किया तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, आने वाला अगर होगा तो डेबिट, जाने वाला होगा तो क्रेडिट। तो कैश भैया यहां पे जा रहा है तो क्रेडिट, जाने वाला क्रेडिट। मिस निहारिका पा रही है या दे रही है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, यहां पे वो पा रही है तो ये हो गई डेबिट, पाने वाला डेबिट, बस सवाल बन गया। तो ऐसे ही आप देखो रूल्स में आपका ऐसा ही लिखा होगा, आप बस रूल्स को फॉलो करते चलो, यहां पे डेट डालो और क्वेश्चन बना डालो। तो क्या है, डेबिट ऊपर है ना, तो मिस निहारिका अकाउंट डेबिट और टू में कैश अकाउंट, ओके बस बन गया सवाल। 13,000 और 13,000 फिर से आप क्या करो, यहां पे बीइंग लगाओ नरेशन लिखने के लिए और यहां से लिख दो पैड कैश टू मिस निहारिका, ठीक है ना, बस। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया। टैली में इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी, सेम प्रोसेस में, डेबिट में क्या है कैश है, सॉरी डेबिट में मिस निहारिका है, यहां लिख दो मिस निहारिका, और क्रेडिट में क्या है टू में कैश है, अमाउंट डाल दो 13,000 और 13,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना लो, ये टैली की एंट्रीज हुई, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर दिक्कत आ रही है, आप नोट नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट इसकी लेके आप बाद में भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्राई करते रहो, पढ़ाई अच्छे ढंग से करते चलो, प्रैक्टिस करो, समझने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आएगा। जैसे हमें अब याद हो गया नहीं ये तीन रूल्स, आपको भी याद हो जाएगा, आप बनाओगे तभी याद होगा। आप ये सोचोगे कि मैं रटने बैठूंगा तो याद होगा, ऐसा नहीं होता, बनाते बनाते जब आप प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ों पे, तो प्रैक्टिस में ही आप एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। हो सकता है कुछ चीज़ आपका मिस हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो, बट प्रैक्टिस करो, देखो, पढ़ो, सब समझ में आएगा। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका क्लियर होता चला जाएगा। समय सबको लगता है सीखने में, थोड़ी अकाउंट्स है तो थोड़ी समझने में दिक्कत आती है, बट पढ़ते चलो, मैं एक एक करके आपको सब सिखा दूंगा, ठीक है ना। सिचुएशंस वही कॉमन है, खरीदना बेचना लेना देना, यही है सिचुएशन, जिंदगी भर यही सिचुएशंस आपको मिलने वाला है अपने लाइफ में। तो बस वो कुछ जो 10-20 सिचुएशंस है उसके ऊपर अगर हम लोग एंट्रीज बनाने सीख लिए, हो गया, फिर तो टैली हमारा क्लियर है। तो बस वही 10-20 सिचुएशंस को हमको पकड़ना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ऑन 4 अप्रैल परचेज फर्नीचर फॉर कैश RS 2300 रुपए, मतलब जो है फर्नीचर नकद खरीदा 2300 रुपए का, ठीक है ना। तो कैश दिया और फर्नीचर खरीदा, तो देखो इसमें दो अकाउंट है, एक फर्नीचर संपत्ति, कैश संपत्ति, भाई दोनों रियल ही है, ये भी रियल और ये भी रियल। तो रियल में क्या होता है, आना जाना, कुछ आ रहा है कुछ चीज जा रहा है, तो फर्नीचर आया पैसा गया, आने वाला डेबिट जाने वाला क्रेडिट। रूल्स आप देखो रियल का, आने वाला व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, फर्नीचर आया कैश गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, बस सिंपली है। डेट डालो, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हार्ट टू कैश अकाउंट, बस अमाउंट बैठा दो, कितना है 2300 और 2300। सवाल बहुत आसानी से जनरेट हो गया है ना। अब बस टैली में अगर उसकी एंट्रीज करनी है तो सेम प्रोसेस में, पहले वहां आपसे डेट मांगेगा, तो मैंने यहां पे डाल दिया 4 अप्रैल 2019 जब आपका घटना घट रहा है। टू में क्या हो जाएगा, तो टू में हो जाएगा कैश, सेम प्रोसेस में 2300 और बाय में फर्नीचर, ठीक है ना, 2300। तो इस तरह से आप मेंटेन करते चले जाओगे ये पूरी चीज़ों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं इन सब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो और आप ट्राई करो खुद से बनाने का, जैसे मैं सिखा रहा हूँ उससे पहले आप ट्राई करो बनाने का, ठीक है ना, ओके। ऑन 7 अप्रैल केस डिपॉजिट इंटू बैंक RS 5500 रुपया, बैंक में 5500 रुपया जमा किया है ना। चलो
सो अब समझो इस मैटर को, दो अकाउंट है, फिर से कैश है बैंक है, कैश रियल बैंक, किसी का अकाउंट होगा तो वो पर्सनल अकाउंट होगा किसी का, तो बैंक में भाई पैसा गया, क्या गया बैंक में पैसा गया, तो डिपॉजिट कर रहे हो तो जमा कर रहे हो ना, तो कैश जा रहा है और बैंक क्या कर रहा है पा रहा है, तो पाने वाला डेबिट, और पैसा जब जमा कर रहे हो तो पैसा क्या हो रहा है जा रहा है, जाने वाला, बस बन गया ना सवाल, क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, बस सवाल बन गया, आपके अकाउंट में पैसा क्या हो गया, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, यही होता है ना, तो क्या हो जाएगा इसका एंट्रीज 5500, 5500, ठीक है, सवाल हमारा रेडी है यहां पे बन के, टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बस यहां पे अप्रैल डालो, 7th अप्रैल, ओके बस काम कंप्लीट है हमारे, यहां पे टू में हो जाएगा, देखो टू में क्या था, कैश था और बाय में क्या है, बैंक अकाउंट है, अमाउंट बैठा दो, नेक्स्ट एंट्रीज है 10th अप्रैल कैश विड्रू फ्रॉम एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक से 28,000 रुपया निकाला, चलो निकाल लिया ना, तो क्या करना है, सिंपल है ना, कैश एसबीआई बैंक, पैसा निकाला तो पैसा आया, आने वाला डेबिट ये दे रहा है हमें एसबीआई बैंक, तो ये क्रेडिट, बस ये देने वाला है रियल पर्सनल, इस हिसाब से बना डालो, तो कैश आया ना, तो कैश अकाउंट, पैसा आप जब निकाले तो पैसा आया ना, बस ध्यान दो कंफ्यूज मत हो, टू एसबीआई बैंक अकाउंट, ओके अमाउंट डाल दो 2800, 2800, बहुत आसान से क्लियर हो गया सारी चीजें, अब चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, टैली में भी ऐसे ही एंट्रीज आप बताओगे, डेट डालोगे, और टू में क्या हो जाएगा, टू में हो जाएगा एसबीआई बैंक अकाउंट और बाय में, दोनों पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, दोनों एक पे प्रैक्टिस नहीं करना है, देखो मैं तो कहूंगा कि आप इस पे थोड़ा कम भी कर सकते हो, लेकिन इस पे आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि बनाना आपको यही चीज है, और अच्छा चीज है कि आप दोनों पे प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएगा, 2800 2800 हमारे लिए भी ज्यादा आसान रहेगा और आपके लिए तो रहेगा ही आसान, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस करने का टाइम है, ओके ऑन 12th अप्रैल सोल्ड कंप्यूटर 13,000 ऑन कैश, मतलब 13,000 का कंप्यूटर बेचा, फिर से देखो ये भी रियल आ ये भी रियल, तो कुछ चीज गया कुछ चीज आया, कंप्यूटर बेच रहे हो तो क्या गया, कंप्यूटर गया, आया क्या, पैसा आया, आने वाला डेबिट ना, पता ही आपको, आ गया कंप्यूटर, जाने वाला क्रेडिट, बस सवाल बन गया, आने वाला डेबिट तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू कंप्यूटर चला गया, टू कंप्यूटर अकाउंट, नाम बैठा दो, कितना गया 13,000 का, 13,000, 13,000, बस अमाउंट बैठाओ, टैली में भी इसकी एंट्री कर दो, टैली में कैसे एंट्री करोगे आप इसकी, तो टू कम सॉरी कंप्यूटर अकाउंट, ओके और बाय में कैश अकाउंट, ओके बन गया सवाल हमारा, ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं, तो सब चीजों को देखिए, तो ये आई थिंक कि मेरे हिसाब से आज के लिए इनफ है, अब आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है एंट्रीज पे, ये आपको खुद से बनानी है, ये मुझे नहीं बनाना है, ये आपको बनाना है, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो मैं अभी ये क्वेश्चंस यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, परचेज द मशीन ऑफ आर एस 33,000 ऑन कैश, मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है कि 33,000 का एक मशीन खरीदा, देखो हिंदी में अभी लिख रहा हूँ बट धीरे धीरे मैं इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाऊंगा, हिंदी बिल्कुल नहीं यूज करूंगा, क्योंकि देखो प्रैक्टिस आपको अभी ठीक है थोड़ा बहुत आप कर लो, लेकिन इंग्लिश ही आने वाली है आपके पास, आप कहीं भी वर्क करोगे इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है ना, तो इंग्लिश को मजबूत करो, थोड़ा थोड़ा मजबूत करो, बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश है नहीं, शॉर्टली है, कुछ सिचुएशंस आपको एक बार पकड़ में आ जाएगा तो फिर सब आसान हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट है कि 7,000 रुपये का एक मोबाइल बेचा,
ठीक है ना, उसके बाद है कि अशोक से रिसीव किया, ठीक है ना, कितना 2700 रुपये रिसीव किया, डिपॉजिट किया इंडियन बैंक में, मिस्टर कार्तिक से 1400 रुपया प्राप्त किया और इंडियन बैंक से 1300 रुपया निकाला और मिस्टर आलोक को 4400 रुपया कैश पे किया। बस इसमें आपको बना के मुझे कमेंट सेक्शंस में आप डाल दो पूरे आंसर्स को, मैं बिल्कुल चेक करके आपको इसकी आंसर्स जो जनरेट होगी वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाना है कमेंट सेक्शंस में, कुछ इस तरह से जो नीचे आप दिख रहे हो यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो बस बाय एंड डेबिट टैली स्टाइल्स में आप बना के कमेंट में आप लिख दो, मैं चेक कर दूंगा कि ये सही है या ये गलत है। तो फ्रेंड्स ये देखो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों से पहले आपको ये जो है ये एकदम माइंड में रखना है, इसको एकदम कंप्लीटली क्लियर रखना है। क्योंकि देखो ये जब क्लियर रखोगे तो सवाल तो आपको ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा, मे बी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, तो कुछ कुछ डायग्राम्स है आप ये भी पता कर लो कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आ रहा है, रियल के अंदर कौन आ रहा है, तो ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, आप जाके वीडियो सेक्शन से देख सकते हो। ये ऑफ 4th नंबर का क्लासेस है, मतलब 4 दिन बीत चुके हैं, ठीक है ना, 3 दिन का क्लासेस कल तक हो चुका था, आज 4 डेज का क्लासेस चल रहा है, तो आज का दिन भी बीतने वाला है कंप्लीटली। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, लगभग आप रखो ना कि मैं 30-32-35 क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूंगा, लगभग 35 क्लासेस में आपको क्लियर कर दूंगा ये 35 दिन में, तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपसे। और मे बी इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी एक चीज़ है कि आपको थोड़ी सिस्टम्स की ज़रूरत होगी, तो सिस्टम्स अब बहुत ज़्यादा महंगा मत परचेस करो, ठीक है ना, मिनिमम बजट का परचेस करो सिस्टम्स, ठीक है ना। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप मेरे से मेरे को कॉल करके मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि कौन सा सिस्टम आपके लिए सही रहेगा, और लो बजट में भी आप आसानी से काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत ही हाई बजट का आप सिस्टम्स ले लो तो आपका काम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप लो बजट की भी सिस्टम्स को ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा ज़रूरी नहीं है। जितना प्राइसेस में आई थिंक आप मोबाइल परचेस करते हो उस प्राइसेस में आपको सिस्टम्स वगैरह आ जाएगा। लॉकडाउन का टाइम है, सीखना भी ज़रूरी है, और इस मतलब जो ये टाइम है इस ईयर को लैप्स भी नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, घर बैठे आप सीख सकते हो, आपके लिए लाइव क्लासेस के लिए भी सही है, एडुकेशनल सॉफ्टवेयर भी आसानी से उसमें रन करेगा, और फिर जो टैली में इंस्टॉल करने आपको सिखाऊंगा वहीं पे सारा कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप बस सारी चीज़ों पे मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत करो, आप कंफर्म है कि आप टैली सीख जाओगे। और यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल्स आपको लिया है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने लगभग 1 2 3 4 ठीक है ना 5 6 टोटल 6 एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिया है, और ये जो क्वेश्चंस है ये 6 एग्जाम्पल से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल सही बनाइएगा, ये चीज़ माइंड में बैठा लीजिएगा भाई सही बनाना है। मैं जितना 6 एग्जाम्पल से रिलेटेड इसमें 7 क्वेश्चंस मैंने दिया है, ठीक है ना, तो ये 6 एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो आप अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल्स को देखिए, एग्जाम्पल्स को समझिए और खुद से बनाइए, खुद से बना के आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख डालिए, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अपग्रेड भी होता चला जाएगा, आगे मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी रखने वाला हूँ, एग्जाम्स भी रखने वाला हूँ, तो बस आपको वहाँ पे जाके अपनी फॉर्म फिलअप करनी है, जीमेल के थ्रू लॉग इन करनी है और एग्जाम्स देनी है आपको, ठीक है ना, और आपका जो भी आंसर्स होगा वो आपको फटाफट मिल जाएगा। थोड़ा इस क्लासेस को कंप्लीट करके भाई सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हो, तो टेंशन मत लो, सर्टिफिकेट भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, आपको मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे सर्टिफिकेट्स की लेवल पे आप आओगे मैं खुद आपको बता दूंगा कि अब आप सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं उसकी लिंक भी अभी नहीं, कुछ दिन में आपको उसकी लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बस जाके वहाँ पर आप काम कर दो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर कोई भी इश्यूज जनरेट है तब मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो, थैंक यू।